नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको बताऊंगा कि आप किसी भी MP3 सॉन्ग के ऊपर अपना फोटो या लोगो कुछ भी कैसे लगा सकते हैं। जैसे अभी जैसे देखिए, मैंने एक ये सॉन्ग प्ले कर रखा है लुंगी डांस, इस पर आपको दिख रहा होगा कि ये एक लोगो लगा हुआ है। और अगर आप इसमें अपना फोटो लगा सकते हैं, कुछ भी लगा सकते हैं, जो आपको लगाना है वो आप इसे इजीली लगा सकते हैं। तो आज मैं इसी को ऊपर बताऊंगा कि आप कैसे MP3 सॉन्ग के ऊपर अपना फोटो या लोगो या कुछ भी लगा सकते हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि अगर आप मेरा जरूर जाने YouTube चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो यहाँ पे जाके आप सब्सक्राइब के बटन से क्लिक कर सकते हैं और आप मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, क्योंकि मैं आपके लिए रोज़ ऐसे ही नए नए टेक्नोलॉजी, इंटरनेट और एंड्रॉइड से संबंधित वीडियो लाता रहता हूँ, तो उसकी जानकारी आपको मिलती रहेगी। अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लिया है तो बहुत बहुत धन्यवाद। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इसके लिए सबसे पहले आप अपने PC या लैपटॉप के ब्राउज़र में जाएँ और यहाँ पर टाइप करें MP3 टैग और उसके बाद इंटर प्रेस करें। इंटर प्रेस करेंगे तो बहुत सी साइट है जहाँ से आप इसे डाउनलोड कर सकते हैं, लेकिन मैं www.mp3tag.com से डाउनलोड करूँगा। तो आप इसे यहाँ पे क्लिक करें, आप यहाँ पे आ जाएंगे और यहाँ पे इसका देख सकते हैं, इसके बारे में, सॉफ्टवेयर के बारे में पूरी डिटेल यहाँ पे दिया हुआ। और अगर आपको इस सॉफ्टवेयर को डाउनलोड करना है तो यहाँ पे क्लिक कर दें डाउनलोड। डाउनलोड पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे ये देख सकते हैं डाउनलोड का सॉफ्टवेयर का लिंक आपको शो कर रहा है। तो आप इस पर डाउनलोड करें और जैसे ही क्लिक करेंगे आप इस पर डाउनलोड पे, तो आपका डाउनलोड स्टार्ट हो जाएगा। आप देख सकते हैं कि यहाँ पे डाउनलोड स्टार्ट हो रहा है, ये 3 MB का सॉफ्टवेयर है। तो ये जैसे ही डाउनलोड हो जाएगा तो आपको यहाँ पे क्लिक करना है। अभी ओपन व्हेन डन दिखा रहा है क्योंकि पूरी तरह से डाउनलोड नहीं हुआ है। जैसे ही 100% डाउनलोड हो जाएगा पूरी तरह से, तो आप यहाँ पे क्लिक करेंगे तो ओपन का ऑप्शन आएगा। देखिए, मैं आपको इंस्टॉल करके इस सॉफ्टवेयर को दिखाऊंगा। बहुत छोटा सा सॉफ्टवेयर है और बहुत आसानी से आप इसे यूज कर सकते हैं अपने कंप्यूटर और लैपटॉप में। ये देखिए पूरी तरह से डाउनलोड हो गया। तो मैं यहाँ पे क्लिक करूँगा, उसके बाद ओपन पर क्लिक करूँगा। और जैसे आप सिंपल सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल करते हैं वैसे ही आपको इस सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल करना है। ये देखिए आपका सॉफ्टवेयर इंस्टॉल हो रहा है, इंग्लिश लैंग्वेज है, यहाँ पे ओके करें। उसके बाद सिंपल नेक्स्ट, एग्री एंड एक्सेप्ट और उसके बाद नेक्स्ट। और ये लोकेशन पूछ रहा है कहाँ पे आपको इस सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल करना है। उसके बाद नेक्स्ट पे क्लिक करें और यहाँ पे फाइनली इंस्टॉल पे क्लिक कर दें। इंस्टॉल पे क्लिक करेंगे तो आप देख सकते हैं सॉफ्टवेयर इंस्टॉलिंग का प्रोसेस चल रहा है। ये जैसे इंस्टॉल होगा तो उसके बाद आपको यहाँ पे फिनिश का ऑप्शन, देखिए नेक्स्ट का ऑप्शन है, ये नेक्स्ट पे क्लिक करें और यहाँ पे फिनिश पे क्लिक करें। और उसके बाद डेस्कटॉप पे चलते हैं और देखिए आप यहाँ पे देखेंगे MP3 टैग सॉफ्टवेयर डाउनलोड हो गया है। तो हम इसे ओपन कर लेते हैं। ओपन करने के बाद मैं एक सॉन्ग को इसमें डाल के और उस पर एक अपना फोटो डाल के दिखाऊंगा। तो देखिए, जैसे मेरे पास लुंगी डांस डेस्कटॉप एक सॉन्ग है, तो मैं इसे ड्रैग करके MP3 टैग में डाल दिया। देखिए ये सॉन्ग है और ये इसका यहाँ पे फोटो आ रहा है। तो अब मुझे अपना फोटो डालना है, तो अपना फोटो डालने के लिए सबसे पहले आप यहाँ पे क्लिक करें। यहाँ पे क्लिक करेंगे तो आपको ऑप्शन आएगा ऐड कवर। ऐड कवर पे आप क्लिक करें। उसके बाद आपसे पूछ रहा है कि आपका पिक्चर, जो आप पिक्चर लगाना चाहते हैं वो कहाँ पे है, कौन सी लोकेशन पे है। तो मैं चलिए एक पिक्चर सेलेक्ट कर लेता हूँ जो मेरे YouTube चैनल का लोगो है। ये देखिए, जरूर जाने ये लोगो है, मैंने सेलेक्ट कर लिया। अब यहाँ पे आप इसके कुछ चेंजेस कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे टाइटल है तो मैं लिख देता हूँ जरूर जाने। और यहाँ पे कुछ भी आप डाल सकते हैं, ईयर कौन सा है, यहाँ पे बहुत से ऑप्शन हैं जो आप चेंज कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे और कुछ चेंज नहीं करना चाहता। और हाँ, कंपोजर जरूर जाने यहाँ पे मैंने लिख दिया। और यहाँ पे फाइल पे जाए और यहाँ पे सेव टैग का ऑप्शन है, यहाँ पे सेव टैग पे क्लिक कर दें। सेव टैग क्लिक करेंगे तो देखिए यहाँ पे एक ऑप्शन आ गया, सेव टैग इन वन ऑफ वन फाइल। यहाँ पे आप ओके क्लिक कर दें। यहाँ पे जाता हूँ और यहाँ पे क्लिक करता हूँ और यहाँ पे देखिए जरूर जाने, बिल्कुल यहाँ पे पहले लुंगी डांस का आ रहा था लोगो, लेकिन अब यहाँ पे मेरा चैनल का लोगो आ रहा है।
तो दोस्तों देखा आपने ये कितना आसान और कितना अच्छा टिप्स था। तो दोस्तों इसी तरह के टिप्स आप रोज सीख सकते हैं मेरे यूट्यूब चैनल से। तो आप आज ही आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और नए वीडियो की जानकारी पा सकते हैं रोज नए नए वीडियो की। तो अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लिया तो बहुत बहुत धन्यवाद। और अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक और शेयर करना ना भूलें। तो दोस्तों थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अगले एक नए वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। बाय बाय दोस्तों।